मुंबई के पुलिस मुख्यालय में 26 नवंबर के आतंकी हमले की 12वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यालय में नवनिर्मित स्मारक महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ पुलिस के कई आला अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई पुलिस केंद्रों में शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया, जहां पुणे के पिंपरी चिंचोड़ में भी पुलिस ने व NSG के जवान योद्धाओं को याद किया गया और आतंक के खिलाफ मजबूती से काम करने की बात का संकल्प लिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर श्री कृष्ण प्रकाश ने पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए आतंक की कमर तोड़ने और रोजगार एवं समाज में समान अवसर पर काम करने की बात कही। पेश है हमारे मुंबई और पुणे के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। चौथी और महत्वपूर्ण बात कि जब भरा हो पेट तो सारा जमाना अच्छा लगता है, और जब खाली हो पेट तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगाने लगता है। बुभिक्षिता किम न कार्य करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। When a person is hungry, he is or she is angry. तो इसके लिए ये जरूरी है कि जहां भी रोजगार के अवसर कम दिखाई पड़ रहे हैं या दिशा से भटकने वाली राहें दिखाई पड़ रही हैं, वहां अगर जाकर पुलिस विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनका पुनर्वसन किया जाता है, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, मुख्य प्रवाह में जोड़ा जाता है, तो इस तरह की घटना कम होती है और इस तरह की जज्बाती बातों में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। तो ये सारे काम हम लोग अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस महासंचालक श्री सुबोध